सुबह जागते ही मन में सवाल उठता है, क्या नींद पूरी हुई? जवाब है नहीं। कारण, 8 घंटे की नींद जरूरी है ऐसा कहा जाता है, लेकिन वो हरेक के नसीब नहीं होती। कारण अनेक है, काम, टेंशन, बीमारी। तो क्या नींद की गोली खाएं, शराब पिए? नहीं, आप अपना कीमती समय और पैसा बर्बाद ना करें। आप सोना स्पा में आए, सोना स्पा में आप अपनी नींद खरीद सकते हैं। सुबह की नींद, दोपहर की नींद, रात की नींद, सोना स्पा में। लड़कियां आपके साथ नहीं, आपके लिए सोएंगी। स्लीपिंग वर्कर्स कहते हैं। गुड मॉर्निंग रुचा बेबी। जूस भी पीना पड़ेगा। डैड कल रात को कितने बजे आए? 12:30। 1 बजे तक तो मैं जाग रही थी। शेडर चीज डाला है। देख सच बोलेगा ना सच्ची तो में डैड तुझे नौकरी पे रखेंगे। झूठ बोलेगा तो मैं तेरा गला घोट के तुझे मार दूंगी। बोल बोल। 4 बजे। Wow. What wow? Place. Okay, you can go now. Bye. Hi. Namaste. Do you think this works or what? Matlab? Well, what are you saying? You think it works? Ji. What I'm trying to say is that ये जो बात कर रहे हैं ना sleeping for someone else, do you think it works? You're welcome, drink, sir. जैसे होता है वैसे ही out of sleeping भी होता है। I know these two terms, but this is different. Different कैसे है? Come. अरे come ना, come come. See, this is different. कि यहाँ पे हमको कोई hire करेगा, हमें पैसे देगा ताकि हम उसके लिए सो सकें। मतलब कोई प्रकाश या so called प्रशांत। हाँ। मुझे हायर करेगा, मैं यहाँ उसके लिए सोऊंगी, जबकि वो वहाँ जगा हुआ है, अपना काम कर रहा है, एंड नेक्स्ट डे ही फील फ्रेश।
I mean, how is that possible? That sounds so bizarre. How? आपको इसमें विश्वास नहीं है? You know, maybe not. I'm still thinking. I don't know. तो फिर आप यहाँ पर क्यों आई हैं? I was just sharing my point of view. You don't have to judge me. लेकिन मैं no, stop judging me, okay? मैंने आप You're being judgmental and all. I don't believe this. मैं बस इतना कह रही हूँ कि आप इसके नियम में आशंकाएं मत जताइए. This is too much now. What's new? बुनियाद. What's बुनियाद? Foundation. Oh God. रुचा खन्ना. Yes. Yes. रितु जोशी. नमस्ते. आप अंदर जाइए. Welcome, ma'am. Namaste. Please come. Come on. It's like that. It's like that. Hi, ma'am. Sona Pranam. Yo. सोना स्पा में शाउटिंग अलाउड नहीं है. सॉरी मैम, आई वाज जस्ट आस्किंग एंड शी वेंट. ये काम अनमोल है. डू इट मीनिंगफुली एंड बिलीव इन इट. यस मैम. चेक योर स्लीपिंग गाउन्स. थैंक यू. सोना प्रणाम. सोना प्रणाम. भक्ति, आई एम सेंडिंग द गर्ल्स फॉर द ट्रायल. आई एम नॉट योर बिकॉज ऑफ मनी. मेरे डैड को इंसोम्निया है. सोते ही नहीं है यार. सब ट्राई कर लिया. मैंने सोचा ठीक है, क्या है ये ऑटो स्लीपिंग, लेट्स ट्राई दिस आल्सो. नो, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू स्लीप. रात को सोना जरूरी है, राइट? थैंक्स. Two years back, my mom passed away. Heart attack. I was also very drunk. I got up and she was dead. Heart attack. Fucking shit heart attack. Sorry, yaar. वो गलती. Thank you. I didn't even realize. मैं यहां मेरी ताई की वजह से हूं. उसे नींद नहीं आती. एक महीने पहले एक एक्सीडेंट में आई और दादा चल बसे और बाबा कोमा में है. कॉल आया था लाशें आइडेंटिफाई करने के लिए. ताई से इसे बिल्कुल नहीं देखा गया. उसे पैनिक अटैक्स आते हैं. उसे नींद नहीं आती. मैं यहां इस उम्मीद से आई हूं कि अगर मैं कामयाब हो गई तो शायद मेरी ताई सो सके. सो हाउ वाज इट? मैडम बहुत सुंदर है. ग्रेट. रितु, यू लीविंग फॉर पुणे टुडे? जी मैडम, मैं बस परसों ज्वाइन करूंगी. ग्रेट, सेफ जर्नी. थैंक यू मैडम. रुचा, मैं आज से ही ज्वाइन कर रही हूँ मैम. एक्सीलेंट. सोना प्रणाम मैडम. सोना प्रणाम. अभी जा रही है क्या? सोना प्रणाम मैडम. सोना प्रणाम. ताई को मिलकर वापस आ जाऊंगी दो दिन में. पर तू दो दिन के लिए जा रही है ना मैडम. सोना प्रणाम. सोना प्रणाम. मैडम, हाय. हाय. आई एम रुचा खन्ना. दैट भेंजी वाज रितु. सोना प्रणाम. सोना प्रणाम. ये क्या? कॉफी. वो तो हमें भी दिखाई दे रहा है. किसे पूछकर पी रही हैं? I'm a sleeping worker now. मैं यहाँ काम करती हूँ. काम शुरू हो गया? आज ही तो ज्वाइन किया है मैंने. तो मतलब काम शुरू भी नहीं हुआ और आ गई मुफ्त की कॉफी तोड़ने. पैसे भरे इसके? No, I'll pay for. My dad is a very rich guy. If he wants, he can buy this whole cafeteria. रईस दादी, ये अकड़ कहीं और दिखाइएगा. पीजिए. No, I'm fine. पीजिए.
अब देखिए, आपकी अकड़ बिल्कुल ठीक ठाक थी लेकिन जवाब गलत था। क्या है, हमसे किसी ने इतना बेहुदा सवाल किया होता तो हमारा जवाब होता? हुजूर, कॉफी की क्या बात है, हम तो जिस चीज पर नजर डाल दें हमारे आगे मर्द क्या पेड़ भी झुक जाते हैं, क्या समझी? सोना स्पा में आपका स्वागत है। हम मीनाक्षी हैं। हाय, हम रुचा। रुचा। Are you all right? Not too well. Please. Not too well. आपकी नींद पूरी हुई? इसके कोई साइड इफेक्ट्स तो नहीं है ना? I know I must have sounded stupid to ask you this question, but नींद के कोई साइड इफेक्ट्स तो नहीं है ना? नहीं, वो क्या हुआ कि सर दुख रहा था, अल्टीमेटली आई हैड टू गो एंड सी अ डॉक्टर। What does the doctor say? The doctor said के किसी तेज पंखे के नीचे सोने से या एसी ब्लास्ट करने से हुआ है। एंड yesterday was 24 degrees और आई वॉज इन माई थ्री पीस, और शाम को भी ड्रिंक्स में मैंने आई जस्ट हैड टू क्यूब्स ऑफ आइस। सेंड मीनाक्षी टू द चैट रूम नाउ। यस, थैंक यू मिस्टर चोक्सी। यस मैम। ये पॉसिबिलिटी है कि मीनाक्षी जो आपकी स्लीप वॉकर है, सोने से पहले उसने पंखा तेज किया होगा या फिर एसी ब्लास्ट किया होगा और ठंड लग गई आपको। मतलब मीनाक्षी ने एसी ब्लास्ट किया और ठंड लग गई मुझे? यस। आप मीनाक्षी से चैट रूम में बात कर लीजिए, लेट्स फाइंड आउट। यस यस, ऑफ कोर्स ऑफ कोर्स। अच्छ, क्या हुआ? आप फैन तेज रखकर सोई थी जी? अरे मुझे फैन की क्या जरूरत है, एसी है ना। हम तो एसी फुल ब्लास्ट करके कपड़े उतार के मजे में सोए। अरे हम इस तरह सोए, कहीं इस वजह से आपको सर्दी तो नहीं लग गई जी? आप तो बड़े नाजुक है चोक्सी जी, अपनी बीवी के साथ भी कपड़े पहन के सोते हैं आप? ऐसे ही पूछ लिया, बुरा ना माने। दरअसल क्या है, हमारे पेशे में तो जैसे ही कोई आता है कमबख्त कमरे का किवाड़ बंद करने से पहले ही कपड़े उतारने की फरमाइश कर बैठता है। पेशा? जी पेशा, पेशेवर थे हम। ऐसे क्या घूर रहे जनाब, कोई ऐसे वैसे नहीं थे, टॉप के थे, टॉप के। बहुत डिमांड रहती थी हमारी, वो तो इंदु मैडम ले आई हमें यहाँ सुधारने के लिए। आप प्रोस्टिट्यूट हैं? जी थे। आप प्रोस्टिट्यूट हैं ये बताना चाहिए था ना? क्यों? देखिए मैं एक इज्जतदार आदमी हूँ, मेरी इज्जत। जनाब, इज्जत हमारी नहीं है क्या? नहीं नहीं, मेरे कहने का मतलब वो नहीं था। नहीं 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 नहीं, नहीं है। ठीक है तो कह रहे हैं आप नहीं है, पर जनाब एक बात बताएं, हम जैसे भी सोए हो आपके साथ सोए क्या? जिस शर्ली के साथ आप सो रहे थे उनकी इज्जत है? कौन शर्ली? आपकी आइटम। आई थी कल रात हमारे ख्वाब में, दरअसल आप ही के ख्वाब में। कल रात तो आपके लिए सोए थे तो आप ही का ख्वाब देख बैठे। आप ठहरे इज्जतदार, विक्टोरिया सीक्रेट, इतना बड़ा सीक्रेट, शर्ली की फिट आ गई आपको? चोक्सी। जब गए थे आप तब तो अच्छा खासा लेपर्ड प्रिंट अंडरवेयर पहनकर शेरवेयर बनकर गए थे, क्या हो गया? शर्ली को देखते ही म्याऊं म्याऊं।
बस जरा सा स्टैमिना संभाल लीजिए अपना. आधे में हाफ जाते हैं आप. ठीक है, आप स्टैमिना संभालेंगे ना तो ये सब जो खिलौने सेक्स टॉयज खरीदते हैं इनकी जरूरत थोड़ी पड़ेगी आपको. बल्कि हम तो मशवरा देंगे आप जिम ज्वाइन कर लीजिए, फिट हो जाइए, गला डालिए सब चर्बी. अरे स्टैमिना बढ़ जाएगा, आपका स्टैमिना बढ़ेगा तो बढ़ेगी इज्जत. और फिर देखिए जनाब, आपकी आंखों से जो शहद टपकेगा तो वैसे शहद चोकसी जी हमारे यहाँ तो शाही टुकड़े पर डाल देते हैं, आप तो न जाने किन किन टुकड़ों पर. All your worries let it go, all your passion let it flow. Let's take it smooth and slow, just sink into my dream world. All that's taboo, let it go, and let the freedom flow. Let's take it smooth and slow, just sink into my dream world. Hey, just watch out, Shirley. कमबख्त, कब सीखेंगे हम आप जैसे इज्जतदारों के तौर तरीके हैं? बताइए, ये मोहतरमा क्या पहनी थी वो? कुछ भी तो नहीं. और आपने क्या पहन रखा था जो उन्हें पहनना चाहिए था? फिर भी आपको सर्दी नहीं लगी, बताइए. और यहाँ हम तनहा सोए, एसी क्या बढ़ा दिया आपको सर्दी लग गई? ये बात डबल स्टैंडर्ड नहीं है चोक्सी? अब आप डबल चार्ज भरेंगे इज्जत से. डबल, ट्रिपल, फाइव टाइम्स, टेन टाइम्स, हंड्रेड टाइम्स, नो प्रॉब्लम. प्रॉब्लम है, आप जानते हैं आपके लिए ख्वाब देखने में कितनी तकलीफ हुई हमें? कब वक्त हमारा पास जाके आपके ख्वाब में. सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी, मैंने आपको प्रोस्टिट्यूट कहा. अमा इंदू, अरे ये तो जितना साफ दिखता है सफेद कपड़े सफेद गाड़ी, अंदर से उतना ही काला है. अरे बहुत ही घटिया और वाहियात इंसान है. शेर की खाल में गीदड़ सुना था, ये जनाब न शेर है न गीदड़ है, लीचड़ है. क्लाइंट है, जैसे भी है, उनसे हमें क्या मतलब? अमा पर हमें तो है लेना देना, उस कंबक के ख्वाब तो हम ही देख रहे हैं. तो तुम ये कह रही हो कि तुम आगे काम नहीं करना चाहती? अमा ऐसा कब कहा हमने, अब काम करना, इसीलिए तो सब कुछ छोड़ छाड़ के आए हैं यहाँ. क्या हिंदू, हम तो आपको सिर्फ उनका एक्सरे दिखा रहे थे. उस लीचड़ की मांसपेशियों में जो जल्लाद भरा है उसी की तस्वीर है आपके सामने. उन्हें हमारी जरूरत है और ये हमारा काम है. That's all that matters, मीनाक्षी. ठीक है, अब आप कहती हैं आप तो सराखों पर. Mr. Choksi, problem solved? Solved, solved. वो मेरे सपने देख सकती है? Of course. अगर आपकी नींद ट्रांसफर होगी तो सपने भी. ऐसा एडमिशन फॉर्म में लिखा है, शायद आपने पढ़ा नहीं. जी. This is dangerous. नहीं नहीं, सीक्रेसी क्लॉज है. आपके सपने हमारे पास सीक्रेट्स ही रहेंगे. इनफैक्ट आपके सपने मुझ तक भी नहीं पहुंचते. ये फॉर्म में है? एब्सोल्युटली. मैडम. यस. वन रिक्वेस्ट प्लीज. श्योर. मुझे मीनाक्षी के साथ कंटिन्यू नहीं करना है, प्लीज. Okay. Thanks. I have a new girl. Ah. Rucha Khanna. She is from a well-to-do family और ये काम वो पैसों के लिए नहीं कर रही. Oh, how nice. I would like you to bond with her. Yes, of course. Oh,
कैसी है? बैड ड्रीम फिर से भाई। हैवसैक उठाती हूँ, चलती चली जाती हूँ अपने आपे से बाहर अंधाधुंध। बस एक ही लक्ष्य, सिंहगढ़ के ऊपर पहुंचना है, वहां से छलांग मार। हेलो। चलो अच्छा हुआ तुम वापस आ गई। वैसे भी मुंबई में मूर्खों की कमी नहीं है, जिनके पास पैसा तो बहुत है। खुद तो रात रात पर जागेंगे, पार्टी जाएंगे, पत्ते खेलेंगे और फिर पैसे देकर सोना स्पा जैसी जगह में दूसरों को सुलवाएंगे। तुम्हारा लेक्चर नहीं था क्या जो हमें दे रहे हो लेक्चर घर पे आके? नीना, मैं स्टूडेंट्स को फैंटेसी नहीं सिखाता, रियलिटी सिखाता हूँ। और साइकोलॉजी एक ऐसा विषय है जिससे पता चलता है कि पागलपन की शुरुआत कहाँ से होती है। पागल नहीं हूं मैं। तुम्हारी बात नहीं कर रहा, मैं उन लोगों की बात कर रहा हूं जो सोना स्पा जैसी जगह में विश्वास करते हैं। ये एंगेजमेंट रिंग में उतार दूंगी। तुमने दवाइयां ली? मुझे तुम्हारे काउंसलिंग की जरूरत नहीं है। मैं काउंसलिंग नहीं दे रहा हूं तुम्हें। तुमने दवाइयां ली? डॉक्टर ने कहा है दवाइयां लो। मेरी बात तो सुना करो कोई। डॉक्टर ने कहा है दवाइयां लो। मैं थक गई नीना, दवाइयां नहीं समझ में आता। विनोद, मैं पेशेंस नहीं है क्या? आई डू नॉट हैव पेशेंस फॉर स्टूपिडिटी। शर्ली घर में नहीं है। तो तुम कौन हो? मैं हूँ तुम्हारी हॉट फैंटेसी। तो तुम मोनोपोली चाहती हो? एक्सेप्ट तो कर रही हूँ ना मैं तुम्हारी वाइफ अनन्या को। आई एम रेडी टू बी द अदर वुमन, बट नॉट एनी अदर वुमन। अनन्या को तुम अकेली छोड़ दो। चल छोड़ दिया, वैसे वो ही मिली थी मुझे, पिक्चर देख रहे थे हम एक ही। क्या बात की? बोल दिया मैंने उसे सब कुछ। झूठ बोलती हो तुम, जलती हो। लेकिन तुम मेरे घर के अंदर कभी नहीं आ सकती, कभी नहीं आ सकती। मैं तेरे बेडरूम में हूँ चौकसी। अनन्या ने मुझे घर पे खाने पे बुलाया है, वो चाहती है कि मैं उसके प्यारे हस्बैंड से मिलूं। तो मैं क्या पहनूं? साड़ी, सूट, जींस या मार डालूंगा। तू मुझे हाथ भी नहीं लगाएगा मारने के लिए। या तो तू अनन्या को मारेगा या तो उसे छोड़ देगा, क्योंकि तुम मेरे प्रेम के और मेरे हवस के गुलाम हो। Oh!
इंदिरा मैम, इंदिरा मैम, इंदिरा मैम, हाउ आर यू? बैठो. हाउ वाज इट? इंदिरा मैम, मैंने चोक्सी का बहुत भयानक सपना देखा अभी. गुड, ब्रिलियंट, वंडरफुल. नो इंदिरा मैम, व्हाट आई सॉ, आई एम रियली शॉक्ड. मैंने देखा कि चोक्सी सपने में आता है और फिर देन सीक्रेसी क्लॉजेज है, यू आर नॉट सपोज टू डिस्कस इट विद एनीबडी, रिमेंबर. तो क्या मुझे चोक्सी के सपनों के साथ ही रहना पड़ेगा? तुम क्लाइंट से बात कर सकती हो, बट दैट्स इट. ओके इंदिरा मैम, अगर आप एक बार मेरी बात सुन लो तो. चीयर अप, यू आर द चोजन वन. चीयर अप नाउ. ओके, क्या पियोगी? चाय, कॉफी? ओके. सपना देखना गुनाह नहीं है, सपने में गुनाह करना नैसर्गिक है. सपना ना देखना संगीन अपराध है, कारण फिर आप जागते हुए गुनाह करोगे. सपने में गुनाह करना जरूरी. बाबा, I'm fed up of विनोद. हर बात पे उसे थ्योरी चाहिए. ये नहीं, वो नहीं, ऐसा नहीं, वैसा नहीं. मेरे बिलीव्स तो कोई मायने ही नहीं रखते. बाबा मेरा सपना ना सुनता है ना मानता है. कहता है मुझे दवाइयों की जरूरत है. आई नीड डॉक्टर्स प्रिस्क्रिप्शंस. साइकोलॉजी प्रोफेसर जो है ना, उसके साथ रही ना बाबा तो पक्का पागल हो ही जाऊंगी. बेचारी ऋतु, हम दोनों को झेलना पड़ रहा है उसे. क्या बातें चल रही हैं बाबा और उनकी लाडली की? विनोद की तकरार कर रही थी. अच्छा, फीड्स है कि मैं और मंगाऊं? नहीं है ना, जरूरत नहीं. अच्छा, डॉक्टर ने कुछ बोला? आए थे, तुम मिल लो एक बार. कम इन. हेलो डॉक्टर साहब. रितु, कैसे हैं? हाउ इज मुंबई ट्रीटिंग यू? जी अच्छा, काफी एक्साइटिंग. यू आर वेंचरिंग इनटू एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्पेस. वैसे आपका क्या ख्याल है इसके बारे में? इट्स अ वंडरफुल कॉन्सेप्ट. साइंस डज नॉट एक्सप्लेन एवरीथिंग. प्लीज स्लीप फॉर मी, आई नीड इट द मोस्ट. जी डॉक्टर, जरूर. आप पापा के बारे में कुछ कहना चाहते थे, कोई इम्प्रूवमेंट हुआ है? इट्स बीन ओवर अ मंथ. द ओनली साइंस ऑफ हीलिंग आर द फ्रैक्चर्स ऑफ द स्कल. मोस्ट पार्ट्स ऑफ द ब्रेन हैव सस्टेन्ड इरिवर्सिबल डैमेज. ही इज बीन अनकॉन्शियस एंड ही विल जस्ट वेजिटेट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. तो क्या कोई उम्मीद नहीं है? इट्स होपिंग अगेंस्ट होप. मिरेकल्स डू हैपन एंड ही इज नॉट गिविंग अप. दैट्स द बेस्ट पार्ट. वो कहीं नहीं जाएंगे. मैं उन्हें कहीं नहीं जाने दूंगी. इतनी जल्दी थोड़ी ना हार मानूंगी. We'll do the best for him. We'll maintain the nutrition. We'll give him the best care. And we'll hope for the best. Thank you, doctor. Take care of Tai. डॉक्टर ने क्या कहा? क्या कहा डॉक्टर ने? रितु, पापा बहुत स्ट्रॉन्ग विल्ड हैं. ही इज अ फाइटर. पापा बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे. जानते हैं इतने छोटे से समय में बाबा ने कितना इंप्रूवमेंट दिखाया है? डॉक्टर कह रहे थे कि बाबा हमारी सारी बातें सुनते हैं. तो हम लोग जब यहां पर आकर भौं भौं करके बाबा के सामने रोते हैं ना, बाबा सब देखते हैं और सोचते होंगे कितनी कमजोर बेटियां हैं मेरी.
बाबा हम बिल्कुल नहीं रोएंगे आपके सामने, और आप जल्दी से ठीक हो जाओ, फिर आपको जल्दी से घर लेके चलेंगे हम दोनों, और सबसे पहले ना उस विनोद को बाहर निकालेंगे, शादी हुई नहीं हस्बैंड बनता है। ताई प्लीज, हम लोग विनोद के अलावा और कोई बात कर सकते हैं? क्या करूं यार, दिस विनोद हैज बिकम माय वर्ल्ड, दिल और दिमाग पर ऐसा हावी हो गया, कुछ और सोचता ही नहीं, ना मैं अपने मन की कर सकती हूँ ना मैं। कुछ और बातें करें। हेलो इंदिरा जी। हेलो चोक्सी जी, हाउ आर यू फीलिंग? आई एम फीलिंग फाइन, फ्रेश, फैंटास्टिक, फैंटाबुलस। ग्रेट, हाउ फैंटाबुलस? वो तो मैं जब आऊंगा आप खुद ब खुद जान जाएंगी। वंडरफुल वंडरफुल, तो मैं ये कहूंगी कि रुचा ने अच्छा काम किया फिर। हाँ ओह यस, बहुत अच्छा काम किया, शी इज डूइंग अ फैंटाबुलस जॉब। And I would like to continue with Rucha. And don't worry, I'm willing to pay double, triple, whatever. नहीं नहीं, double, triple पैसों की जरूरत नहीं है चोक्सी जी। हम आपकी नींद पूरी कर रहे हैं और इसी से हमें संतुष्टि है। So I will see you soon. Oh yes, yes, definitely. Okay, सोना प्रणाम। सोना प्रणाम। Time to fly, my fairy. वाओ, कितना सुंदर तिल है तुम्हारा। अमा तिल नहीं है, मुहासा है, न जाने कमबख्त आज सुबह कहाँ से निकल गया। कल डैड से मैंने बदतमीजी की। अच्छा, गलती डैड की थी, वो रोज रात को डांस बार चले जाते हैं। अगर वो बाहर नहीं जाते तो मैं भी नहीं जाती, अगर मैं नहीं जाती तो मैं वहां डांस भी नहीं करती ना। अब बदतमीजी या तो आपने की है या नहीं की है, दोनों नहीं हो सकते। आप तय कीजिए क्या किया आपने। I know ya मीनाक्षी, but just that I love my dad. तो क्या दिक्कत है फिर मेरी जान? अरे जहाँ प्यार है वहाँ सारी गलतियाँ माफ हैं, जितना साफ उतना माफ। हम्म? क्या है, हम सबके अंदर कहीं ना कहीं एक कूड़ादान है, जो पसंद नहीं आता है उसे फेंक देते हैं उस कूड़ादान में हम, तब ना इंसान के जिस्म से इतनी बू आती है। अब आपकी दिक्कत क्या है कि आप इतर परफ्यूम वगैरह लगाकर बाहर तो खुशबू बिखेर रही हैं, लेकिन आपके अंदर जो कूड़ादान है, जो कचरे का कारखाना है, उसका क्या? So you mean I need to clean myself from within? But how? मीनाक्षी देवी साक्षात बैठी हैं आपके सामने, दर्शन तो ले ही लिए हैं, अब लीजिए हमारा प्रसाद खाइए। मीनाक्षी, I don't like pan, you know it smells. तब तो कुछ नहीं होने वाला आपका। मिस्टर हुसैन, वेलकम। थैंक यू। आइए मेरे ऑफिस में बात करते हैं। कम विद मी। हम लोग यहाँ बात कर सकते हैं, मतलब काफी अच्छी लॉबी है। देखिए अच्छा फाउंटेन चल रहा है, यहीं बैठते हैं। इट्स नाइस। श्योर श्योर, नाइस, लव। आइए। या नॉर्मल स्लीप 9 to 5 आपकी रिक्वायरमेंट है? जी नहीं, मेरे लिए 10 to 6 कर लीजिए। ओके। या 11 to 7। ऑलराइट, मतलब रात को एक आखिरी सीरियल देखकर सोना करेक्ट रहेगा। करेक्ट। टीवी वासी हैं आप? जी नहीं, टेलीविजन चैनल में क्रिएटिव हेड हूं मैं। ओहो, आई सी, इंटरेस्टिंग। लेकिन आपको देखकर ऐसा लग नहीं रहा है, देख रहा हूँ काफी नापसंद करती हैं टेलीविजन को आप। एक्चुअली टीवी की वजह से बच्चों की नींद पूरी नहीं होती, एंड दैट्स माय पॉइंट। आप बच्चों की नींद की बात कर रही हैं, मेरी खुद की नींद महीनों से पूरी नहीं हुई है। सही जगह पर आए आप, हम देंगे आपको नींद, इसलिए मैं मिलाऊंगी आपको रितु से। बहुत एफिशिएंट लड़की है और आप पहले क्लाइंट होंगे उसके। मिस्टर हुसैन, इंदिरा जी ये मीनाक्षी कौन है? हमारी सीनियर वर्कर है, बहुत एफिशिएंट है। इनफैक्ट आप मीनाक्षी से मिलिए। नहीं नहीं नहीं, मैं रितु से ही मिलना चाहूंगा, मतलब रितु इज फाइन फॉर मी। श्योर। अच्छा इस स्पा में जितनी भी लड़कियां काम करती हैं, इनके क्वालिफिकेशंस क्या होते हैं, मतलब कैसे सेलेक्ट करते हैं आप लोग? अनडिस्टर्ब्ड स्लीप लाइक बाबा जी। ये बाबा
ये खुद कहाँ रहते हैं? जी, इस वक्त वो सिएटल में हैं। उनका ये मानना है कि वहाँ लोगों को स्लीपिंग डिसऑर्डर की प्रॉब्लम ज्यादा है। वहाँ तो इन चीजों के लिए बिजनेस काफी अच्छा होगा। ये बिजनेस नहीं हमारे लिए मिस्टर हुसैन। इंदिरा जी, आप एक घंटे के डायजा चार्ज करती हैं, बिजनेस नहीं। और वहाँ तो डॉलर में लेते होंगे आप लोग। 2500 मिलियन डॉलर स्लीप। सोचा है और एक निष्कर्ष पर पहुंचा हूं। कम डाउन। बताइए, किस निष्कर्ष पे पहुंचे आप? देखो नीना, बचपन में तुम अपने माँ दादा के साथ सिंहगढ़ तो जाती थी, पर तुम कभी ऊपर नहीं चढ़ी। क्यों? क्योंकि तुम्हें ऊंचाई से डर लगता है। यू हैव अ फियर ऑफ हाइट्स। मैं ऊपर से छलांग मारना चाहती हूँ अध्यापक। उसका भी कारण है, क्योंकि सिंहगढ़ से छलांग मार के तुम्हें कहीं ना कहीं अपनी मरी माँ से मिलना है। करेक्ट, मरी माँ से मिलना है। सिंहगढ़ तो जाना पड़ेगा, ऊपर से छलांग भी तो मारनी है। Yes, I want to die. Don't you want to live? At least not with you. One minute. Nina, people and objects create a deep impact on our lives. They cause us joy, fear, pain. Most of the time we know this, but we're afraid to do anything because we might lose them. We fear losing that which we love the most, Nina. Kono tum andar kaise aaye tum? I want to sleep now. Huh? I want to sleep. Tumhe sona hai? I want to sleep. Ha, ek minute, Indira madam se baat karo. Main Indira madam ko bulati hu. तुम उसको मत बुलाओ। क्यों? मेरी दीदी है, वो मुझे नहीं आने देगी। तो नहीं अच्छा लगता। I want to sleep. इंदिरा मैडम तुम्हारी दीदी है? I want to sleep. अच्छा, to sleep अच्छा now. अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। तुम्हारा नाम क्या है? तुम्हारा नाम भूल गया। भूल गया? तुम्हारा नाम भूल गया? तुम तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम है भूल गई। मैं भूल गया, तुम भूल गई। We are made for each other. नहीं नहीं, ऐसे नहीं बोलते हैं। I like you. अच्छा, okay, sorry. अच्छा अच्छा, तुम स्लीपिंग वर्कर क्यों बनना चाहते हो? I like to sleep. Oh,
अच्छा तुम मेरे लिए सोगे? नो, मैं सोऊंगा फॉर आवर सचिन। सचिन? कौन सचिन? डम्बो, तुम्हें सचिन तेंदुलकर नहीं मालूम? सचिन तेंदुलकर? अरे सॉरी सॉरी, उन्हें कौन नहीं जानता, उन्होंने अपनी 100th century पूरी करी है, है ना? Now I like you more. Thank you. अच्छा तुम सचिन तेंदुलकर के लिए क्यों सोना चाहते हो? उसका ना 100th century हो गया है। तो क्या ना, अभी थोड़ा थक गया है, सोऊंगा ना तो और 100th centuries करेगा। मेरी दी बोलती है ना कि सोने से थकान दूर होती है। तुम्हारी दीदी बिल्कुल सही कहती है, तुम्हें सचिन तेंदुलकर के लिए सोना चाहिए। सचिन। नमस्ते मैडम। नमस्ते सचिन, तुम्हें यहाँ नहीं होना चाहिए था। सॉरी दी। जाओ दवा खा लो। बाय डम्बो। हाउ आर यू? मैडम मैं ठीक हूँ। गुड। मेरा छोटा भाई है सचिन। अच्छा मैडम। यहाँ 15 दिन मेरे पास ही रहेगा। नासिक में हमारे एक रिलेटिव है जिनकी डेथ हो गई, तो 13वीं के बाद ही वापस जाएगा। यू माइट हैव टू बेयर विद हिम। अरे नहीं मैडम प्लीज, ऐसे मत कहिए, बहुत ही प्यारा है। हाउ वॉज योर एक्सपीरियंस? मैडम मैं हुसैन जी के लिए नहीं सो पाई। सोने से पहले मैं अपनी ताई के बारे में सोच रही थी। वो काफी दिनों से सफर कर रही है, तो मुझे उसी का सपना आया। आई एम वेरी सॉरी मैडम। तुम नीना को अभी फोन करके पूछो दैट हाउ इज शी फीलिंग, फाइंड आउट नाउ। हेलो ताई, तू ठीक है? ओ माय गॉड रितु, मैं तुझे ही फोन करने वाली थी अभी। बहुत खुश हूं मैं। क्यों, क्या हुआ? मैं कल से फिर से पढ़ाना शुरू करने वाली हूँ, अपने पैरों पे फिर से खड़ी होंगी मैं। ताई ये तो बहुत ही अच्छी खबर है। वैसे एक और खबर है, तू ज्यादा खुश नहीं होगी बट ट्रस्ट मी आई विल बी फाइन। तूने फिर से रिंग उतार दी? हमेशा के लिए। ताई इंदिरा मैडम सामने बैठी, मैं तुझसे बाद में बात करती हूँ। प्रीतु मैं कॉल करती हूँ तुझे थोड़ी देर में। ओके ठीक है, ध्यान रख अपना और बात करेंगे फिर से। ओके चल बाय। बाय। Is everything okay, Ritu? मैडम उसने अपनी एंगेजमेंट तोड़ दी। I'm so sorry. नहीं मैडम, मैं बहुत खुश हूँ। Okay? मेरी ताई इतने दिनों के बाद इतनी खुश है। She's a great teacher. Mathematics scholar है वो। वो कोचिंग क्लास में स्टूडेंट्स को मैथ्स पढ़ाएगी। मैं उसके लिए बहुत खुश हूँ मैडम। Okay, okay. Great news. Because it's a possibility that तुम उसके लिए सोई। Congratulations. तुम आज एक सक्सेसफुल स्लीप वॉकर बन चुकी हो। कीप इट अप। थैंक यू मैडम। लेकिन मैं हुसैन जी के लिए नहीं सो पाई। आज सो लेना। सच मैंने कहा था बस एक पीस, मैं नहीं खाऊंगी, मुझे नहीं पसंद है। मुझे नहीं पसंद है सच्ची। अच्छा तुम बहुत टेस्टी होता है, खा के देखो। अच्छा लगा? नाइस ना? हाँ, नहीं पसंद है। I like you, ना? I'm sorry. I like you. दुनिया में दुख बहुत है, गरीबी बहुत है, आतंक, शोहरत, पैसा, मगर नींद की कमी है। चोकसी, हियर आई कम। स्लो डाउन मैन, स्लो डाउन। गुड नाइट हुसैन। मैं क्यों छोड़ूं चौकसी को?
चौकसी जाता है या तू जाती है? तो चौकसी तुझे नहीं चाहता है ना बेबी, इसलिए जब शर्ली अब मिसिंग है ना, भाटिया के साथ दुबई में है तुम्हारी शर्ली। एंड एनीवेज, डबल क्रॉस कर रही है वो आपके चौकसी को। तुम्हें कोई भी बात एबा में तो कभी भी समझ में नहीं आ सकती है। शर्ली इज डेड। शर्ली मर चुकी है और चौकसी ने ही मारा है शर्ली को। क्यों? क्यों मतलब वाइफ प्रॉब्लम और क्यों? शर्ली चौकसी के घर के अंदर घुसना चाहती थी, उसकी वाइफ बनके रहना चाहती थी वो। तो ये कौन सी प्रॉब्लम है डाली? चौकसी के वाइफ तो हम भी हैं। 1,00,000 रुपया बेचारा हर महीने मेरे बैंक में ट्रांसफर करा देता है, और उसके बंगले की 2 चाबियां ऑलरेडी मेरे पास है, तो ही ना मैं उसकी फुल वाइफ। और यही एक फुल प्रॉब्लम है चौकसी की वाइफ के लिए। तुम्हें क्या लगता है शैला, चौकसी की वाइफ को तुम्हारा 1,00,000 रुपये, घर की 2-2 चाबियां कभी पसंद आ सकता है? नहीं आएगा ना। ठीक वैसे जैसे उसको शर्ली पसंद नहीं आई। और क्या हुआ शर्ली का? अरे ये चौकसी ना मेरा एकदम लाइफटाइम वैलिडिटी प्लान है। इसे तो मुझे इंटरनेशनली स्वाइप करना है। हो गया, बन गई तुम्हारी विशलिस्ट। तुम यहाँ बैठ के अपनी विशलिस्ट बनाओ और वहाँ चौकसी तुम्हारा मर्डर प्लान कर रहा होगा। थेम्स नदी में ले जाके डुबो देगा तुम्हें, और किसी को भी कानो कान खबर नहीं होगी। किसी को ये भी नहीं पता चलेगा कि तुम कभी एग्जिस्ट भी करती थी या नहीं। चुटकियों में गायब कर सकता है तुम्हें वो। चौकसी एक बहुत पावरफुल इंसान है शैला, डोंट मेस विद हिम। मैं अभी भी कह रही हूँ सुधर जाओ तो मरोगी तुम एक दिन। गोलियां तुम्हारी गांड पे भी चल सकती थी। कहां कहां काम करती हैं तुम्हारी रंडियां? होटल बार बार में। साहब मेरा अपना बार में काम करती है। साहब मोरे पास तो वो डांस बार वाली थी, वो काबे हो की बार बंद है को, तो अपने गांव लौट गई। गांव लौट गई? हाँ साहब। और वहां जाकर क्या खेती करने लगी? हाँ, अब रंडियों को किसान बनाएगा तू? वो मीनाक्षी सोना स्पा में काम करती है कि नहीं? मोइना पतो साहब, सोना स्पा। चैलेंज, चौकसी मेरे लिए अपनी बीवी को छोड़ देगा। मुझे परेशान करके फॉरएवर जाना है या मैं बोलूं तब मिलना है? हराम जादे भड़वे, तेरी रखी रॉड कमजोर नहीं। तो फिर मर जा। शर्ली को भी तू नहीं मारा है ना? रामी कुत्ते। मदर जॉट फड़वे साले। रागिनी, इसके अंदर की आग देखकर लगता है कि एक बार क्या एक बार उस पे चढ़ जा और फिर गोली डाल दे भड़वे। बाद में मैं फंस जाऊं, तेरा पावर मेरे को मालूम। <Hello! laughs>
प्लीज चौकसी, मुझे जाने दो, मुझे मत मारो, प्लीज 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 चौकसी मुझे जाने दो। मर जाए। सोना स्पा, जहां लड़कियां तुम्हारे साथ नहीं तुम्हारे लिए सोती हैं। साहब जब साथ नहीं सोती तो हमें मालूम कैसे होगा? अगर मालूम नहीं है तो मालूम करो। उधर लड़कियां एक घंटे के 2500 चार्ज कर रही हैं, वो भी दूर सोने के। साहब फिर तो ये कमाल का धंधा है, बिना हाथ लगाए कमाई। और नो मेंटेनेंस साहब। तो हम लोग क्या झक मरेंगे? हफ्ता दो साहब को। ठीक है साहब, लो साहब। अब मैं पता करूंगा सोना स्पा के बारे में। रुचा, रुचा तू ठीक है? तू मेरे साथ घर चलेगी? मैं घर कैसे? We'll drink, we'll swim, we'll chat. I promise तू बोर नहीं होगी. Please. ठीक है। रितु चल, come inside. Wow. What wow? Now say wow. अरे रुक जा बहन जी, अपना सीक्रेट सुनाना है मुझे। अंडर वाटर। गुड मॉर्निंग, क्या हुआ? क्या हुआ रुचा? ओ गॉड, फिर से वही सपना। क्या सपना? मुझे काफी टाइम से एक ही टाइप का सपना आ रहा है। कोई जोर जोर से दरवाजा खटखटा रहा है, कोई जोर जोर से चीख रहा है, किसी के चिल्लाने की आवाज आ रही है। और जब भी मैं दरवाजा खोलने की कोशिश करती हूं, सलिया खुलती ही नहीं है। पता नहीं कौन चिल्ला रहा है और क्यों। ओह गॉड, मेरी ताई को तो सुइसाइडल ड्रीम आता था, लेकिन अब वो ठीक है। कैसे? जिस दिन मैं हुसैन के लिए सोने वाली थी उस दिन मैं अपनी ताई के बारे में सोच रही थी। जब मैं सोई मेरी ताई मेरे सपने में आई। जब मैंने घर पे कॉल किया तो मेरी ताई की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई थी। तो तू तेरे ताई के लिए सोई? शायद, मुझे पता नहीं ये चीजें कैसे काम करती हैं। What a bitch. अरे रुचा बेबी, चाय
चाय तैयार है? जी मैं लूंगी, तुझे नहीं चाहिए? मीनाक्षी, मैं ना तुम्हारे लिए सो रहा हूँ। सो जाइए। और ना मैं तुम्हारा सपना भी देखूंगा। देख लीजिए, सपना आएगा तब ना। हमें कैसे पता चलेगा सपना आया? मैं बोलूंगा कि सपना आ रहा है। अच्छा, ओ मतलब जैसे हमारे बाबा जी हैं, आंखें बंद करते ही उन्हें सब कुछ दिखाई देता, अब हमारे नए बाबा होंगे। बाबा जी जल्दी सो जाइए, कहीं ऐसा ना हो आपकी दीदी आए और दो चपत लगा के आपको अंदर ले जाए। मुझे सपना आ रहा है। अच्छा, तुम नहा रहे हो? कमबख्त, हर कोई एक ही ख्वाब देखता है। तुम साड़ी में नहा रहे हो। शुक्रिया। गीले में पूजा कर रही है मेरे देख के जैसे। क्या? गीले में पूजा कर रही है मेरे देख के जैसे। किसकी पूजा कर रहे? भगवान श्री कृष्ण की। वाह। हाँ, हाँ, तुम्हारे तरफ फूलों की माला आ रही है, वैजंती माला आ रही है और तुम्हारे गले में आ गई। तुम्हारा ना हैप्पी वाला मैरिज हो गया। मैरिज हो गया? किससे? भगवान श्री कृष्ण के साथ। श्री कृष्ण के साथ? वाह, बड़ा अच्छा ख्वाब है। आगे आगे। सब लोग ना ऊपर से फूल डाल रहे हैं, अप्सरा लोग डांस कर रही है, गंधर्व गा भी रहा है। और हम क्या कर रहे हैं? तुम डांडिया कर रही हो भगवान के साथ। सब भगवान के साथ डांस कर रही हो। नहीं 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 सचिन, आपको पता है हमारे यहाँ 33 करोड़ देवी देवता हैं। अब हर एक भगवान के साथ हम डांस करेंगे तो हमारे कान्हा का नंबर कब आएगा? सोचने वाली बात है ना। तो फिर क्या सचिन? ओ सचू, सो गए? अरे क्या सचू, पता है पहली बार किसी ने हमारे लिए इतना अच्छा ख्वाब देखा है। और पहली बार शायद किसी ने ख्वाब पहले देखा और सोया बाद में। मीनाक्षी। इंस्पेक्टर साहब। इंस्पेक्टर हुसैन, 2 साल पहले तुझे साइन में वैन में घसीट के डाला था, भूल गई? भूल कैसे सकते हैं, सिर्फ वैन में डाला ही नहीं था, काफी जबरदस्ती भी की थी आपने। अरे आप बोल देते तो हम तो यूं ही हर बात की इजाजत दे देते, हमारा दिल जो आ गया था उस वक्त आप पर। लेकिन आपकी कमीनी आदत, हर चीज जबरदस्ती जो चाहिए। एक बात बता, यहाँ पे क्या करते हो तुम लोग? सोते हैं। अरे सोते तो सब लोग हैं, लेकिन सुना है तुम लोग दूसरों के लिए सोते हो, तो थोड़ा डिटेल में बता कि ये चक्कर क्या है। अच्छा, तो आप तफ्तीश के लिए आए हैं? भूल गए थे इंस्पेक्टर साहब, ये सब आपके बस की बात नहीं है, ऊपर की बात है। ए, मुंह बंद कर अपना। अंदर का पुलिस वाला जाग गया ना तो तेरा ऊपर नीचे सब बराबर हो जाएगा। ऐसी हिमाकत ना कीजिएगा इंस्पेक्टर साहब, बाबा जी को जानते हैं, बहुत दूर तक पहुंचे उनकी, कहीं ऐसा ना हो कि आपका तबादला हो जाए। ऋतु कहाँ है? आराम कर रही है। आराम कर रही है? अब तुम लोग क्या सोते सोते भी थकने लगे जो वो आराम कर रही है? तो किसके लिए सो रही है आप जानते नहीं है?
आपके लिए। अब आपके जहन में तो क्या कुछ भरा आप अच्छी तरह से जानते हैं। अब आपके ख्वाब देखेंगे तो तकलीफ तो होगी भाई। दिलो दिमाग को आराम चाहिए कि नहीं? मुझे आराम नहीं मीनाक्षी, इंफॉर्मेशन चाहिए। मैडम से ले लीजिए। मैडम से? कम मिस्टर हुसैन, हैड टू वेट टू लॉन्ग? जी नहीं, मैं अभी आया। ओके, हाउ आर यू फीलिंग? आई एम फीलिंग वेरी बैड इंदिरा जी। आपकी नींद तो पूरी हो गई है ना? कौन सी नींद, मुझे तो कोई फर्क महसूस नहीं हो रहा है सच में। बल्कि मुझे ऐसा लग रहा है मुझे बहुत तेज बुखार आने वाला है, बहुत तेज। सर फट रहा है मेरा दर्द से। In that case, I can replace Ritu for you. Would you like to try that? तो अब आप चाह रही हैं कि मैं आपको किसी और के लिए एक घंटे के 2500 फिर से दूं? नहीं नहीं नहीं, आपके पैसे हमें नहीं चाहिए। आपको नींद मिले ये हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। Let me figure out somebody nice for you. मैं एक बार रितु से बात कर सकता हूँ? Of course. जी हुसैन जी। कितने पैसे मिलते हैं तुम्हें यहाँ पे? जी? यहाँ सोने के कितने पैसे मिलते हैं तुम्हें? पर डे, पर आवर, पर क्लाइंट? तुम्हारे दिमाग में कोई चिप है या तुम कोई दवाई खाती हो कि तुम जब चाहे किसी के लिए भी सो सकती हो? नहीं तो? देखो रितु, सच बताओ, क्या सब चलता है यहाँ पे? सच बताओ। मैं किसी को नहीं बताऊंगा और ना ही अपने किसी चैनल पर डालूंगा कि स्लीपिंग स्कैम। और तुम चाहो तो मैं तुम्हें इस बात के कई ज्यादा पैसे दे सकता हूं। मैं झूठ बोलने के पैसे नहीं लेती इंस्पेक्टर साहब। इंस्पेक्टर साहब, तुझे मीनाक्षी ने बताया ना? नहीं। तो फिर तुझे कैसे पता चला मेरे बारे में? मैंने आपके सपने में देखा। सपने में देखा? मैं आपका सपना देख चुकी हूँ। क्या देखा सपने में? ब्रुनाई 8mm पिस्टल से गोलियां चली, तीन भड़वे थे, तीनों भड़वों की गांड, सॉरी, उनके पिछवाड़े पर आप चले और फिर आपने उनमें से एक को तमाचा लगाया। फिर आपने उनसे पूछा कि उनकी डंडियां कहाँ काम करती हैं। एक ने कहा बार बार, दूसरे ने बोला अपना बार, और तीसरे की डंडी गांव गई हुई थी। फिर आपने मीनाक्षी उनके बारे में बात की, उसके बाद आपने उनसे हफ्ते के बारे में बात की, फिर तीनों भड़वों ने अपनी जेब से पैसे निकाल कर जमीन पर फेंके। आप पानी लेंगे? आप ठीक है ना? अरे कौन है यार ये? आइए जनाब, आइए। अब पता चला आपको क्या क्या चलता है हमारे सोना स्पा में? अरे इधर सोना स्पा में आके मेरे को मालूम पड़ा अपने अंदर क्या क्या चलता है। अभी वक्त है, आप चाहें तो अपनी बॉन्डिंग हटा सकते हैं मोहतरमा से, वरना एक ना एक दिन आपका सारा चिट्ठा विट्टा होगा उनके हाथों में। क्या बोल रही है? ऐसे सस्पेंड हो जाऊंगा मैं एक दिन? तो ऐसे गोची वाले काम करेगा तो कभी तो सस्पेंड होएगा ही ना। लग जाएगी तेरी एक दिन सच्ची। बहुत हो गया यार, अभी अच्छा काम करके देख। कभी तो वर्दी का सही इस्तेमाल कर। जिस दिन तू वर्दी का सही इस्तेमाल करेगा ना, उस दिन रात को तेरे को अच्छी नींद आएगी। हटा ये सब फालतू काम, फालतू शौक।
अच्छा सोएगा, अच्छा ख्वाब दिखेगा, सुबह उठेगा बिल्कुल फ्रेश। सच्ची लिख के दे दिया मैं। ट्राई कर, क्या पता पुलिस को तेरे ऊपर नाज हो जाए, कोई मेडल शेडल दिला दे तुझे। अरे जनाब, ट्राई कीजिए, यही है हमारे सोना स्पा का सुपर हिट फॉर्मूला। मतलब साला अपनी नींद पैसों से भी ज्यादा करा रही है। मतलब जितना मर्जी सो लो, हमारी है। अरे वाह, क्या बात है जनाब, आप तो अभी अभी आए हैं हमारे स्पा और आते ही शायरी करने लग गए, क्या बात है। कुछ तो बात यहाँ जरूर है, ऐसे ही थोड़ी ना सुधर गए हम। सुधर गए अब हम, पहले वाली कोई बात नहीं है। अभी तो हम अच्छा सोते हैं, 2 साल से काम कर रही मैं, अच्छा सोती है, कभी अपने लिए कभी क्लाइंट के लिए सोती है, सुबह उठती है बिल्कुल तरोताजा फ्रेश। अभी सिस्टम में से सब गंदगी गया रे। क्यों? क्योंकि सोच साफ हो गई है। अभी तो मैं सोचती है कि अपना एक बीवी बच्चा, मतलब बीवी मैं, अपना बच्चा, अपना फैमिली, अपना हस्बैंड, सब घर बार सेट कर डालने का। क्या ए, तू शादी बनाएगा मेरे से? क्या बोल रही है, पागल हो गई है? अरे क्या बोल रही है क्या, मैं तो पहले ही बोली तेरे को पसंद है तू मुझे, और ना पसंद तो आप भी नहीं करते हमें जनाब। क्या जरा इधर देखिए, क्या हम खूबसूरत नहीं है? नहीं है। क्या हसीन नहीं है, जहीन नहीं है? नहीं है, नहीं है, है। तो बात खत्म ना। अरे अपनी बेटी जब पैदा होगी तो आपको थैंक यू बोलेगी, थैंक यू पापा, सुंदर मम्मी लाके दिया। चल शादी ट्राई करते हैं। अरे ट्राई करने में क्या नुकसान है, इतना लोग ट्राई करते हैं, अपन भी ट्राई करेगा, जमा जमा बहुत अच्छा है। नहीं तो चल चल, अभी पहले तू राइड दिला मेरे को, चल ना राइड। हाँ राइड, चल ना। हाँ चल। देख जमा जमा, वेरी गुड, नहीं तो मैं राइड से उतर जाएगी। तू इंदिरा मैडम से बात कर, गुड आइडिया, आई थिंक तुझे इंदिरा मैम से मिली बात करनी मैं चाहिए। क्या बात करूं रुचा, तुझे सब कुछ पता है, अगर तो इंदिरा मैम को बता देगी, मुझे बताने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी। हेलो गर्ल्स। नमस्ते मैडम। तुम लोगों ने चेंज नहीं किया अभी तक? मैडम हम बस आपका ही इंतजार कर रहे थे। अच्छा। इंदिरा मैम मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। आइसक्रीम दी, आइसक्रीम प्लीज ना। ओके आइसक्रीम पर बात करते हैं। ओके कूल कूल जी मैडम, कम ऑन जी, लेट्स गो। कम कम डम्बो वन डम्बो टू। कैसी हो? Happy birthday to you. Happy birthday to you. इंदिरा मैडम, सचिन ने मेरा दूसरा बर्थडे सेलिब्रेट किया है, ये ट्रीट मेरी है। You are a sweet girl, Ritu. Thank you, madam. चलो रुचा, चोक्सी के साथ ये साइकिल तुम कंप्लीट कर लो, आफ्टर दैट वी शैल डिसकंटिन्यू। आई कैन सी दैट यू आर सफरिंग। थैंक यू सो मच इंदिरा मैम। नो प्रॉब्लम। एक्चुअली मैंने सोना स्पा अपने डैड के लिए ज्वाइन किया। ये सफरिंग फ्रॉम इंसोम्निया, उनको रात को नींद नहीं आती तो। व्हाई डोंट यू कॉल हिम हियर? ही डजंट बिलीव इन एनीथिंग। कैन यू टॉक टू हिम? ऑफ कोर्स आई कैन टॉक टू हिम। आइए, वेलकम चोक्सी जी, आपका दिल बहुत बड़ा है। गलत, दिल बड़ा मैला था, लेकिन सोना स्पा की वजह से सब साफ हो गया। ओके, दिस वन्स फॉर यू। ओह थैंक यू सर। आप सबके लिए इंदिरा जी। हाउ आर वी टुडे? फाइन, फ्रेश, फैंटास्टिक, फैंटाबुलस। हाउ फैंटाबुलस? दिस मच स्वीट आई वुड से। मैं गिफ्ट लाया हूँ आपके लिए, रुचा के लिए, सबके लिए। That's very sweet of you, Choksi ji. My pleasure. क्या मैं रुचा से मिल सकता हूँ? वो क्या है ना, आजकल मैं बहुत खुश रहता हूँ, बहुत खुश रहता हूँ, और वो सिर्फ रुचा की वजह से।
मैं उसको पर्सनली धन्यवाद करना चाहता हूँ फॉर डूइंग दिस फैबुलस जॉब। ये सब कोर्स आप रुचा से मिल सकते हैं। थैंक यू। इनफैक्ट वो भी आपके सपनों के बारे में आपसे बात करना चाहती है। फैंटास्टिक। सो इफ यू प्रोसीड टू द चैट रूम आई सेंड हर देयर। श्योर। तुम्हारे लिए 3 गिफ्ट्स लाया हूं क्योंकि मेरी 3 अड़चने दूर हुई है क्लियर थिंकिंग की वजह से। थिंकिंग क्लियर कैसे हो पाए क्योंकि तुम शांति से सोई मेरे सपनों के साथ। पहले गिफ्ट देख लो, बाद में बताना मुझे मेरे सपनों के बारे में। आपकी 3 अड़चने, शर्ली, शैला और रागिनी। शर्ली जिसका गला घोट के आपने उसी के घर में उसे मार दिया, शैला और रागिनी को आपने गोलियों से मार दिया, रागिनी अपनी जिंदगी की भीख मांग रही थी लेकिन आपने उसकी एक नहीं सुनी। आपको उनसे प्रॉब्लम थी तो पुलिस में जाके कंप्लेन कर देते, आपको उन्हें मारने की क्या जरूरत थी। आप हंसी मत, आपने 3 खून किए, आप हंसी मत। जाओ, शांत हो जाओ। मैंने उन्हें नहीं मारा, मतलब मारना चाहता आपने था। मुझे बेवकूफ समझा है? जब चाहे आप उन्हें मार देंगे, जब चाहेंगे आप उन्हें जिंदा कर देंगे। यू नो व्हाट, आई विल गो टू द पुलिस स्टेशन। मैं पुलिस के पास जाऊंगी, मैं वहां जाके आपकी कंप्लेन करूंगी। आपने जो 3 खून किए ना, उसके आई विटनेस हूं मैं, उनको बताऊंगी आपने 3 खून किए। हाँ हाँ, मैं भी चलूंगा तुम्हारे साथ। लेकिन तुम साबित कैसे करोगी? तुम्हें यकीन नहीं है? ओके, देखिए आप प्लीज। तुमने कहा मैंने सुना, अब मैं कहूंगा तुम सुनोगी, ठीक है? हेलो। हेलो। हाय चौकसी, कैसा है बेबी? हाँ शैला। अरे एक खबर सुनी है कि तुम मर चुकी हो, और पता है मारने वाला कौन है? कौन? मैं। एक लड़की है रुचा। हाँ उसने कहा है ये। हाँ वो कह रही है कि मैंने तुम्हें मारा है। अब मैं उसे फोन दे रहा हूँ, तुम उसे बताओ कि तुम जिंदा हो, ठीक है? ओके। नहीं मुझे किसी से बात नहीं करनी। देखिए आप प्लीज मुझे किसी से बात, देखिए आप प्लीज आप मुझे फोर्स मत करिए, मुझे किसी से बात नहीं करनी। सुनो मैंने फोन पे स्पीकर ऑन कर दिया है, तुम बोलती जाओ, ओके? हेलो, हेलो कौन है? क्या हो रहा है, क्या हो रहा है? हाँ चौकसी, क्या हुआ बेबी? नेल पॉलिश सुखा रही थी। अभी भी प्यार करता है तुम उससे, है ना? जेलस। अच्छा सुन, क्या बोल रहा है यार? मर तो मैं गई ना, तूने मुझे छोड़ा और मैं मर गई। वैसे तूने मुझे छोड़ ही दिया है तो एक पार्टिंग गिफ्ट तो बनता है ना? पता है, आज रात को आजा, सुबह चलेंगे ना शॉपिंग। तनिष्क पे डायमंड ज्वेलरी पे 20% ऑफ है। क्या चाहिए? डायमंड चाहिए, डायमंड। फोन रख, फोन रख। चौकसी, हेलो। मैंने नहीं मारा और मैं मार भी नहीं सकता हूं। मेरे अंदर का घिनौनापन, कमीनापन, वो सब खत्म हो चुका है। ये सब तुम्हारी वजह से, सिर्फ तुम्हारी वजह से। तुम मेरे लिए सोई और मेरे पाप खत्म। हाँ अपनी बीवी को देखा मैंने, खूबसूरत, इतनी खूबसूरत वो मुझे पहले कभी नहीं दिखी। मन किया उसे देखता ही रहूं, देखता ही रहूं, बस देखता ही रहूं।
और ये सिर्फ तुम्हारी वजह से, सिर्फ तुम्हारी वजह से। थैंक यू, थैंक यू वेरी मच अंबिना। अपने आंगन में खिला गुलाब छोड़कर हम फूल वाले के पास पड़े कार्नेशंस के पीछे भागते चले जाते हैं, जो बड़ी आसानी से किसी भी बुके में फिट हो जाते हैं। पर अब नहीं, अब मैं और मेरी पत्नी और मैं, हम दोनों बस, और कोई नहीं। और ये पता किसकी वजह से हुआ है? एंड ऑल बिकॉज ऑफ यू। थैंक यू रुचा, थैंक यू वेरी मच। चोकसी जी, प्रॉब्लम सॉल्व? यस मैडम, द प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड। ग्रेट। इस लड़की ने मेरी जिंदगी बदल दी है और इस लड़की को खुद नहीं पता कि उसने मेरे लिए क्या किया है। आई एम सो हैप्पी, सो हैप्पी। आई एम ग्लैड वी कुड हेल्प यू। यू नो व्हाट, मैं सोना स्पा को डोनेशन देना चाहता हूँ फॉर स्टार्टिंग दिस नोवल आइडिया। मतलब जिंदगी में बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम भी नींद से सॉल्व हो सकती है। यस एग्जैक्टली। और मैं भी स्लीप वर्कर बनूंगा। यस। लेकिन उसके लिए खुद आपको पहले अपने लिए सोना पड़ेगा। ओ या, हाउ ट्रू। ऑफ कोर्स ओके मैडम। ओके, सोना प्रणाम। सोना प्रणाम। सी यू। सी यू। अच्छी नींद is equal to achhi soch is equal to achha jeevan। I want to share this dream with you। Kal mere sapne mein aaye aur tum dono ko aashirwad diya। I must congratulate both of you। You both have successfully completed your first cycles here. These are your salaries. And you both are rich girls now. Rucha, you take a break. You need one. And I'll appreciate if you come back. Bring your father this time. Thank you, ma'am. Ritu, tumhare baba ke medical expenses hum uthana chahenge. Hamara apna trust hai. Thank you, madam. Thank you very much. Not at all. सोना प्रणाम मैडम। सोना प्रणाम। सोना प्रणाम मैम। सोना प्रणाम। सोना प्रणाम मैडम। सी यू। थैंक यू रितु। हाँ, आई नीड अ फेवर फ्रॉम यू। बोल। विल यू स्लीप फॉर मी? आई पे यू। कैसी बातें कर रही है रुचा? ऑफ कोर्स मैं तेरी मदद करूंगी। बस यूं गई और यूं आई। रितु, मैं ये जानना चाहती हूँ मेरे सपने में क्या है, मुझे क्यों वो सपना बार बार आता है, और तुझे सब कुछ पता है। ओनली यू कैन हेल्प मी। रुचा, ताई ने बहुत बड़ा डिसीजन लिया है, मुझे घर जाना ही पड़ेगा। उसे अभी मेरी जरूरत है। मुझे भी तेरी जरूरत है रितु। I'm really suffering। एक हफ्ते की बात है, ठीक है? चल। रुचा, प्लीज बकवास मत कर। मैंने तुझे बोला ना कि मैं तुझे एक हफ्ते में मिलने वाली हूँ। थैंक यू। आई थिंक यू शुड गो। मेरी सफरिंग है ना, एक हफ्ते में सफर करके मैं मर भी जाऊँ तो किसे क्या फर्क पड़ता है। रुचा, कैसी बातें कर रही है? मैं ताई के लिए वापस जा रही हूँ। तो ताई के लिए जा रही है, ब्लड रिलेशन है ना, मुझसे ज्यादा मैटर करता है। मैं तेरी लगती क्या हूँ? जीऊँ मरूँ क्या फर्क पड़ता है? ये बात बहुत गलत है। यू नो व्हाट मुझे क्या लगता है, गाड़ी किसने खड़ी कर रखी है? अरे अंदर तो आ।
वाओ, दिवाली तो है नहीं, ये दिए रंगोली क्या बात है, ब्रेकअप की सेलिब्रेशन चल रही है क्या? हुँ? अपनी नई जिंदगी की सेलिब्रेशन चल रही है ना? नींबू पहली बार आई है, बात तो करो। बॉन्डिंग कैसे करेंगे? उसकी तो जरूरत ही नहीं है ना। मेरा मतलब है बॉन्डिंग तो वैसे भी हो ही चुकी है ना, तुझे सब कुछ पता है, एक बार कोशिश तो कर, हो जाएगा, वो कर लेगी। खाना खाओ। जलेबी खा, ताजी है। दाल लोगी? नहीं। छोड़कर गई थी अक्षय, तब सोचना चाहिए था। हर बात पे तुम ताने ही मार सकते हो ना, कि मैं घर छोड़ के गई थी, पर तुमने क्या जाने की कोशिश की कि मैं क्यों छोड़ के गई थी? तुम्हारी वजह से तुमने मुझे इतना फ्रस्ट्रेट कर दिया था कि अगर मैं ना जाती ना, मैं सुसाइड कर लेती। तो तुम ये कहना चाह रही हो कि मैंने तुम्हारी जिंदगी नरक बना दी? हाँ। मैं बन गया था राक्षस? राक्षस तो तुम अब भी हो अक्षय, एक राक्षस ही अपनी बेटी को इतनी शराब पिला सकता है। जाओ जरा देखो, Your daughter is bloody drunk. Akshay, please. Do you know why she's drunk? वो मुझसे तो मैं लेकर कुछ बात करना चाहती थी. Then alcohol gave her strength to speak out. Strength? Strength alcohol से नहीं आती अक्षय. और तुम्हें उसके बाप होने के नाते उसे रोकना चाहिए था. पर तुम्हें तो पड़ी नहीं है. अपनी जिद पर रूचा को अपने पास रखा हुआ है. संभालोगे कैसे? हर रोज शराब पिलाकर? वाह अक्षय खन्ना, क्या प्लान बनाया अपने बेटी के फ्यूचर के लिए तुमने? रुचा मेरे साथ बहुत खुश है और मैं उसे जल्दी यूरोप भेज रहा हूँ फॉर फर्दर स्टडीज। वो खुश नहीं, वो बेहोश है, और जिसे होश ही ना हो उसे क्या फर्क पड़ता है कि वो खुश है या नहीं। मुझसे बेटर मिला कोई? मुझे स्ट्रेंथ मिली है। कहाँ से? वैष्णो देवी गई थी मैं, वहां मुझे एक नई उषा ने जन्म लिया। ताकत मिलने के लिए तुम्हें मंदिर जाना पड़ा, और जो घर में भगवान बैठा है उसका क्या? तुम्हें भगवान? ग्रेटिट्यूड नाम की चीज ही नहीं है तुम्हें। शैलेश, बर्फ लेकर आओ। ग्रैटिट्यूड? किस बात का ग्रैटिट्यूड? तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें ग्रैटिट्यूड दिखाऊं फॉर ऑल दोस इयर्स ऑफ लाइफ दैट आई लिव्ड? दूसरों के सामने हैप्पीली मैरिड कपल का इमेज पोर्ट्रे करते थे हम, पर घर में मैं कौन थी तुम्हारे लिए अक्षय? कुछ भी नहीं। दिन भर तुम बाहर घूमते थे और मैं इस घर में बैठ के रोती थी। पूछो इस शैलेश से। न्यूरोटिक हो गई थी मैं, अगर मैं ना जाती ना, तुम्हारी बेटी भी मुझे देख देख के न्यूरोटिक हो जाती। तुम एक कमजोर औरत हो नहीं। और तुम अपनी बेटी को भी अपने जैसा बनाना चाहती हो। मैं कमजोर नहीं हूँ, तुमने मुझे कमजोर बनाया है। मैंने? हाँ। तुम्हें खुद पता है तुम क्या कह रही हो? नहीं। ये सब कुछ तुम्हारे दिमाग के अंदर चल रहा है। नहीं अक्षय, अक्षय मैं न्यूरोटिक नहीं हूँ। I'm not neurotic. तुम मेरा इंसल्ट नहीं कर सकते। You can't insult me anymore. I'm not your bloody wife anymore. शैलेश। जी सर। मैडम को दरवाजे तक छोड़कर आओ। जा रही हूँ, पर रुचा को मिलकर जाऊंगी। रुचा, रुचा, रुचा उठ, देख मैं तेरे को मिलने आई हूँ। रुचा उठ, रुचा, पापा को बोल के तू मेरे साथ चलेगी। शैलेश, मैडम को दरवाजे तक छोड़कर आओ। रुचा प्लीज उठ जा, रुचा, रुचा, प्लीज रुचा, शैलेश तू पीछे मत आना। रुचा, रुचा उठ, रुचा प्लीज, मैं तेरे को मिलने आई हूँ। रुचा प्लीज उठ जा, रुचा उठ, अक्षय प्लीज दरवाजा खोलो, अक्षय प्लीज, रुचा, रुचा उठ जा, अक्षय प्लीज, अक्षय प्लीज।
उषा 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 तू पागल है, इतनी शराब क्यों पीती है? जानती है तेरे मॉम डैड क्यों चिल्ला रहे थे? क्यों? तेरी मॉम तुझे वैष्णो देवी लेके जाना चाहती थी। फिर वो दोनों चिल्ला क्यों रहे थे? दरवाजा बंद था ना, अंदर से सटकनी लगा रखी थी तूने, और तेरी माँ जोर जोर से चीख रही थी, रुचा दरवाजा खोल दरवाजा खोल। लेकिन तूने बहुत शराब पी रखी थी एक रात पहले, याद है तुझे? फिर तेरी मॉम ने तेरे डैड को बुलाया, उन्होंने खिड़की तोड़ी और अंदर घुसे, सटकनी खोली और फिर तेरी मॉम तुझसे मिली। उन्होंने तुझे गले लगाया, वो सिर्फ तुझसे मिलना चाहती थी। तूने मेरी मॉम को देखा? मेरी मॉम डैड साथ में थी? हाँ। वो झगड़ नहीं रहे थे? हाँ डैड। रुचा बेटा, मैं घर पर हूँ, आप कहाँ हो? आप घर पे? आप झूठ बोल रहे हैं ना? आई एम नॉट लाइंग बेटा, आज हम साथ में डिनर करते हैं, ओके? ओ नो, मैं अभी फिल्म देख रही हूँ, 3 घंटे की है, तो फिल्म देखकर फिर आती हूँ। जल्दी आना, आई लव यू बेटा। पापा, मुझे आपको एक रहस्य बताना ही होगा, कारण उसे गुप्त रखना है, और मेरे अंदर इतनी ताकत नहीं कि मैं उसे गुप्त रख सकूं। मेरी दोस्त रुचा खन्ना, मैंने उसके सपने का रहस्य देखा, उसके पिताजी के हाथ उसकी मां की हत्या हुई है, वो
दारू के नशे में थे और बाबा ये बात मैं रुचा को कभी नहीं बता सकती। ये रहस्य आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मुझे मालूम है बाबा की आप ये रहस्य रहस्य रखोगे। अनस आप जाग जाओ। प्लीज आप जाग जाओ। पता है डैड, मुझे ऐसा लग रहा है मैं आपसे 2 साल बाद मिल रही हूं। I'm sorry. La la la. Oh. La 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 la. La la la. La 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 la. La 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 la